यहाँ पर ये वाला जो टेल मार्क मेल है ये अब ठीक होने लगा है, ये दाना अब ठीक से खाने भी लगा है। और यहाँ पर जो ये मादी है ये अभी भी मुझे बीमार लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि एक दो दिन में ये ठीक हो जाएंगे। मादी अभी कुछ ज़्यादा बीमार है, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि ये भी ठीक हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी मैं छत में आ चुका हूँ और यहाँ पर साथ में आज हयात भी आई हुई है। और यहाँ पर अभी मैंने सभी कबूतर को बाहर निकाला हुआ है और यहाँ पर कुछ कबूतर ऊपर में बैठे हुए हैं, ये देखें। तो इन सबको मैंने अभी दाना दे दिया है, तो यहाँ पर ये सब अभी दाना खाने लगे हैं। और ये जो मद्रासी वाला जो पेयर है, इनके पास दो अंडा था, लेकिन मैं सुबह से इन दोनों को देख रहा हूँ, ये दोनों अब अंडे को छोड़ करके घूमने लगे हैं। तो आज हम उस अंडे को भी चेक करेंगे, उस अंडे में बच्चा है या फिर नहीं है। अगर उसमें बच्चा नहीं होगा तो उस अंडे को भी हम हटा देंगे। तो अभी हम चलते हैं लॉफ्ट के अंदर। और यहाँ पर देखिए, मेरा जो वाइट वाला लखा है ये भी अब क्रॉसिंग करने लगे हैं, तो ये भी कुछ दिन में अंडा दे देंगे। और यहाँ पर देखिए, जो वाइटी है और इसके साथ में जो मेल है, ये भी मुझे लगता है कि कुछ दिन में ये भी अब ब्रीडिंग करने लगेंगे, ये भी अब अंडा दे देंगे। और अभी हम चलते हैं लॉफ्ट के अंदर, और लॉफ्ट के अंदर जो मद्रासी का अंडा है उस अंडे को हम चेक करते हैं, उस अंडे में बच्चा बना है या फिर वो अंडा ख़राब हो चुका है, तो हम उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो अंडा नज़र आएगा, ये देखिए। और ये वाला अंडा तो ऊपर से ही ख़राब लग रहा है, ये अंडा ख़राब हो चुका है। और दूसरा जो अंडा है ये वाला है, तो इसे हम चेक करेंगे, क्योंकि जो अंडा का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी तक इसमें से बच्चा निकल आना चाहिए था, लेकिन इसमें से अभी भी बच्चा नहीं निकला है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये भी अंडा ख़राब हो चुका है, तो इस अंडे को हम तोड़ करके देखेंगे। गिर गया। तो यहाँ पर मैंने दोनों अंडा को रख दिया है, और ये वाला अंडा तो मुझे लग रहा है ये ख़राब हो चुका है, तो हम इसे फोड़ते हैं। तो ये अंडा अंदर से सूखा हुआ है, ये देखें। तो इन दोनों अंडे को हम तोड़ करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अंडा है ये देखे, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये ख़राब हो चुका है, तो हम इसे फेंक देते हैं। और दूसरा हम इसे तोड़ते हैं। और इसमें बच्चा बना था, लेकिन अब लग रहा है ये बच्चा अंदर में ही मर चुका है, ये देखें। इसमें बच्चा बना हुआ था, लेकिन बच्चा इसमें मर चुका है, तो हम इसे फेंक देते हैं। और बर्तन में दाना ख़त्म हो चुका है, तो हम यहाँ से कुछ दाना वहाँ बर्तन में दे देते हैं। और मेरा ये वाला भी जो पेयर है ये भी अब क्रॉसिंग करने लगे हैं, तो ये भी अब कुछ ही दिन में अंडा दे देंगे। और यहाँ पर देखें, ये लखे का बच्चा है और ये सिराजी का है। तो इन दोनों को अब मैं खुद से हैंड फिट करवाने लगा हूँ, तो आज भी इन दोनों को हैंड फिट करवाना है। और यहाँ पर देखें, ये जो मादी है टेल मार्क, ये आ करके यहाँ पर खड़ी हो गई है, क्योंकि ये बीमार है। तो हम इसे पकड़ करके इसका जो रूम है वहाँ हम इसे छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा आराम करेगी। और यहाँ पर देखें, जो चूजे हैं ये अब दौड़ने भागने लगे हैं, और इनको अब पता चल गया है इनका रूम कौन सा है। और एक चूजा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये देखें।
कुछ देर पहले हल्का हल्का बारिश भी हुआ था और यहाँ पर कुछ कबूतर दाना खाने के बाद यहाँ पर पानी पीने लगे हैं। तो अब कुछ दिन में ये भी क्रॉसिंग करेंगे और उसके बाद ये भी अंडा दे देंगे। और यहाँ पर देखे एक जो मुखी है यहाँ पर का जो गंदा पानी है उसे पीने लगा है। तो ऐसे में जो कबूतर होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो इसे हम यहाँ पर से हटा देते हैं। वहाँ पर बर्तन में मैंने पानी दिया हुआ है लेकिन ये यहाँ पर गंदा पानी पीने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।